हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। विधानसभा चुनावों की आहट से सुबह में सियासी पार हर रोज बढ़ता जा रहा है। खास बात यह है कि सत्ताधारी पार्टी विपक्ष से भी ज्यादा भाग दौड़ में जुटी है। इसी को लेकर भाजपा प्रदेश प्रभारी अनिल जैन ने पंचायत भवन में जिला के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक ली। ये बैठक 3 चरणों में हुई, जिसमें विधानसभा चुनावों में 75 पार का पाठ पढ़ाया गया और 8 सितंबर को रोहतक में पीएम मोदी आगमन पर कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी लगाई गई। बैठक के बाद मीडिया से रूबरू हुए भाजपा प्रदेश प्रभारी अनिल जैन ने कहा कि हमने 75 पार के लिए रणनीति बनाई है। उन्होंने कांग्रेस संगठन के सवाल पर चुटकी ली और कहा कि कांग्रेस में कल अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि एक को बदल कर दूसरे को बना दिया, अब वो पहले वाले नाराज हो जाएंगे। जैन ने कहा कि इस बदलाव से भाजपा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपना घर संभाले, जनता तो भाजपा के साथ है। हम प्रदेश में इस समय जो वातावरण है वो देश का वातावरण है, हमारे कार्यकर्ताओं के ध्यान में है। हम 75 पार के नारे को कैसे पूरा करें, इसकी स्ट्रेटजी के लिए यहाँ आए थे। कार्यकर्ताओं से अलग अलग 3 प्रकार की बैठकें हमने की हैं, और जोश भी है, उत्साह भी है, और काम करने का तरीका भी हमने साझा किया है। तो इस बात को हम करने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ आए। बताओ सर, कांग्रेस में कल संगठन का बदलाव हुआ, बात कांग्रेस में अभी कलेना निपट रही भाई। वो अब उनको हटा के इनको बना दिया, वो नाराज हो जाएंगे, तो वो उनका घर जाने वो जाने संभालें, क्या करेंगे क्या ना करेंगे। पब्लिक आपस में ही कलह कर लें, पब्लिक उनके साथ नहीं, पब्लिक भारतीय जनता पार्टी के साथ है। क्या लगता है सर, कितना इससे 75 पार कितना असर पड़ेगा कांग्रेस में, तो संगठन में बदलाव होगा? ना कोई असर नहीं पड़ने वाला, हम अपनी तैयारी के दम पर लड़ रहे हैं, और इसलिए हमें लगता है कि हम अपने तैयारी के दम पर 75 पार करेंगे, हमारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने जो काम किए हैं उसके दम पर। धन्यवाद।